हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे पॉलीमर के बारे में। तो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमो पॉलीमर। तो होमो पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय द ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड होमो पॉलीमर। मीन्स ऐसा पॉलीमर जिसमें सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं? होमो पॉलीमर। अगर आपसे पूछा स्टार्च का मोनो क्या कहलाया गया? ग्लूकोज। तो स्टार्च में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है? ग्लूकोज। अगर पूछा सेलुलोज का मोनोमर क्या कहलाया गया? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या कहलाया गया? ग्लूकोज। ये तीनों आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या कहलाता है? इथीन। तो पॉलीथीन में सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा मोनोमर? इथीन। अगर बात करें पॉली विनाइल क्लोराइड, तो पॉली विनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरिन का मोनोमर क्या होता है? स्टाइरिन। और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या क्या बोलते हैं, ऑरलॉन का मोनोमर क्या होता है? विनाइल साइनाइड। और नाइलान सिक्स का मोनोमर क्या कहलाता है? कैप्रोलैक्टम। मीन्स ऐसा पॉलीमर जिसमें सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं? होमो पॉलीमर बोलते हैं। तो इन चारों के बारे में आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी फाइव, ये आप पढ़ेंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो होमो पॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व होता है उन्हें क्या बोलते हैं? होमो पॉली मैं बोलते हैं। जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड, तो पॉली विनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो पॉली विनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। इसके आपने कितने मालिक्यूल लिए? एन मालिक्यूल। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड को आप फ्री कर दीजिए, और जब पाई बॉन्ड को आपने फ्री किया बना क्या बना? CH2 CHCl। एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, ब्रैकेट और N। इसे क्या बोलेंगे? पॉली विनाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? होमो पॉलीमर बोलेंगे। बात समझ में आ रही? आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड आपको होता है को पॉलीमर। तो को पॉलीमर मीन्स होता है पॉलीमर विच आर फॉर्म बाई मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज को पॉलीमर। मीन्स ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर इन्वॉल्व हो उसे क्या बोलते हैं? को पॉलीमर। मीन्स ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व हो क्या बोलते हैं? को पॉलीमर। जैसे अगर हम बात करें बूना एन, अगर हम बात करें बूना एन की बात करें तो बूना एन में दो मोनोमर इन्वॉल्व होंगे। एक आपको का 1,3 ब्यूटाडाइन और सेकेंड का तो एक्राइलोनाइट्राइल। तो बूना एन में एक से ज़्यादा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसे क्या बोलें? को पॉलीमर। तो कौन से मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। दूसरा आपका बूना एस, तो बूना एस में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है? 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। अब यहाँ पर देखिए बूना एन बूना एस में एक मोनोमर कॉमन है। क्या मोनोमर कॉमन है? 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। लेकिन बूना एन में क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। और बूना एस में क्या होता है? स्टाइरिन। एस का मतलब क्या होगा? स्टाइरिन। और एन का मतलब क्या? एक्राइलोनाइट्राइल। अगर इन दोनों की बात करें, दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक रबड़, जो कहा गया आप पढ़ेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं। चलिए, और दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? एडिशन पॉलीमर। ये भी आप पढ़ेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। सेकेंड में बात करें ना, थर्ड की बात करें नाइलान सिक्स। तो नाइलान सिक्स सिक्स में दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से? हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिबिक एसिड। और दूसरा टेरिलीन, या इसी क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। इसमें कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है? टेरिथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। और इन दोनों को कौन सा बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर यहाँ नाइलान सिक्स की बात करें, इन्हें क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो इन्हें क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर।
मर। अब एक बार फिर सुनना, होमो पॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो उन्हें क्या बोलेंगे, होमो पॉलीमर। ऐसा मोनो ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप मोनोमर इन्वॉल्व हो क्या बोलते हैं, को पॉलीमर। अगर होमो पॉलीमर की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरिन और ऑर्गेनॉल को क्या बोलेंगे, एडिशन होमो पॉलीमर। नायलॉन सिक्स को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन होमो पॉलीमर। अगर आप पूछा नायलॉन सिक्स क्या होमो कंडेंसेशन की को पॉलीमर कंडेंसेशन क्या बोलेंगे, होमो कंडेंसेशन पॉलीमर हो रहा है। इसी तरह बूना एस बूना एन क्या होगा हमारा, एडिशन को पॉलीमर कहलाएगा। नायलॉन सिक्स सिक्स और टेरिलिन क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन को पॉलीमर कहलाएगा। बात समझ में आ रही, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा रिवाइज चल रहा है आपका, जहाँ भी डाउट हो आप फिर से पूछिए, एकदम बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे डाउट हो आप पूछिए। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में आप दो पढ़ेंगे, होमो एडिशन पॉलीमर और दूसरा पढ़ेंगे को पॉलीमर एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन होमो पॉलीमर मतलब क्या, होमो एडिशन पॉलीमर मतलब कि ऐसा पॉलीमर जिसमें एक मोनोमर इन्वॉल्व हो और मोनोमर के पास क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। जैसे यहाँ की बात करें टेफ्लान, तो टेफ्लान का मोनोमर क्या होता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, मतलब सी डबल बॉन्ड सी एफ टू पाई बॉन्ड सी एफ टू। आपने इसके कितने मालिक्यूल लिए, एन मालिक्यूल। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन के एन मालिक्यूल लिए आपने पॉलीमराइजेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मोनोमर में, तो यहाँ पे एडिशन पॉलीमर होगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमेशा क्या कहलाए, ऐसा मोनोमर जिसमें क्या हो, अनसेचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे एडिशन पॉलीमर होगा। अब टेफ्लान की बात करें, टेफ्लान का मोनोमर क्या कहलाता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो यहाँ पे सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो इसे क्या बोलेंगे, होमो एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। आपने इसका एन मालिक्यूल लिया, तो मैंने बताया जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे इस पाई बॉन्ड को फ्री करिए, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा इधर शिफ्ट होगा, तो क्या लिखेंगे, पहले सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू एक बॉन्ड लगाइए और यहाँ पे एन लिख दीजिए, ये कहलाएगा हमारा टेफ्लान। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा रहेगा इस तरह दिया रहेगा, सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू का मोनोमर लिखिए, तो आपको क्या करना है, पेपर में दिया है सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू का मोनोमर, तो आपका इसका मोनोमर क्या कहलाता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे सी एफ टू, पहले सिंगल बनाइए सी एफ टू, और कार्बन कार्बन दिया गया तुरंत यहाँ पे एक बांड बना दीजिए, तो मोनोमर क्या कहलाएगा, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। बात समझ आ रही, अब बात करें तो इस यहाँ पे इसके इट इज यूज एन मटेरियल रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल एंड टू प्रिपेयर नॉन स्टिक, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, टेफ्लान। दूसरा लिखा है टेफ्लान इज स्टेबल टू एक्वा रेजिया, आप समझ में आ रही, तो टेफ्लान क्या कहलाएगा, होमो एडिशन पॉलीमर। चलिए सेकेंड अगर हम बात करें पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, कभी कभी आपके एग्जाम में पी ए एन पी मतलब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, या पेपर में दिया रहे ऑरलॉन ओ आर एल ओ एन या एक ए सी आर आई डबल एल ए एन। अब सुनना पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का मोनोमर क्या कहलाता है, एक्राइलो नाइट्राइल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन। ध्यान सुनिएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन। इसका अगर बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या अटैच है, सी एन। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कोई ग्रुप अटैच, उसका नाम क्या होता है, विनाइल साइनाइड, या इसी क्या बोलेंगे, एक्राइलो नाइट्राइल। तो जब आपने एक्राइलो नाइट्राइल के कितने मालिक्यूल लिया आपने, एन मालिक्यूल। फिर सुनना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे यदि कोई ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हैं, विनाइल। तो इसका देख कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या अटैच सी एन, तो क्या बोलेंगे, विनाइल
साइनाइड, या इसी का नाम क्या होता है क्राइलोनाइट्राइल। तो एक क्राइलोनाइट्राइड का आपने कितने मालिक्यूल लिया, एन मालिक्यूल। तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पाई बॉन्ड फ्री होगा। आप क्या करना है, पाई बॉन्ड को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, एक बॉन्ड इधर बनाइए, एक बॉन्ड इधर ब्रैकेट N, इसे क्या बोलेंगे पॉली क्राइलोनाइट्राइड। अगर आपसे पूछा जाए पॉली क्राइलोनाइट्राइड का मोनोमर क्या कहलाएगा, विनाइल साइनाइड या क्राइलोनाइट्राइड। आपके पेपर में दिया रहेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN ब्रैकेट N लिखा रहेगा। अब पूछेगा इसका मोनोमर क्या होगा, आपको करना क्या है, पहले बना लिए CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, अब क्या करिए यहाँ पे बॉन्ड बना दीजिए, तो इसका नाम क्या होता है विनाइल साइनाइड या क्राइलोनाइट्राइड। पास समझ आ रही। अगर हम बात करें कि पॉली क्राइलोनाइट्राइल का यूजेस क्या है, तो क्या होगा यूजेस फॉर मेकिंग क्लॉथेस ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। ये आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, इन सब के यूजेस है जो आपको याद करना है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करने जाए पॉली विनाइल क्लोराइड या PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर कहा जाए पॉली विनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या कहलाता है, विनाइल क्लोराइड। मैंने बताया कि तो विनाइल मतलब क्या होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कोई ग्रुप अटैच हो तो क्या बोलते हैं विनाइल। अब कौन सा ग्रुप है यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के कितने मालिक्यूल आपने लिए, एन। तो जब विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड मतलब क्या होता है RO, या जैसे हम आपसे पूछा है बेंजोइल परऑक्साइड, तो बेंजोइल परऑक्साइड क्या होगा C6H5O, ये हमारा बेंजोइल परऑक्साइड। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये है आपका बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड मतलब बेंजीन रिंग होगा, तो यहाँ पर आर की जगह क्या होगा बेंजीन। अगर आपसे बोला गया मिथाइल परऑक्साइड तो आर की जगह क्या होगा CH3। बेंजोइल परऑक्साइड मतलब क्या होगा C6H5O, और परऑक्साइड का काम क्या है, परऑक्साइड जो होता है हमारा रिएक्शन क्या करता है इनिशिएट करता है, रिएक्शन क्या करेगा इनिशिएट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजोइल परऑक्साइड का रोल क्या है एडिशन रिएक्शन में, आप क्या बताएंगे बेंजोइल परऑक्साइड इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन क्या करता है इनिशिएट करता है। पास समझ में, तो जब आपने इसका एन मालिक्यूल लिया, तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, मैंने बताया पाई बॉन्ड को फ्री करिए, तो क्या लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl ब्रैकेट N, तो ये हमारा क्या कहलाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये है आपका, इसके यूजेस क्या है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉली स्टाइरिन या इसी का दूसरा नाम स्टोरॉन, STYRON। अगर आपसे कहा जाए पॉली स्टाइरिन का मोनोमर क्या कहलाता है, स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। इसके कितने मालिक्यूल आपने लिए, N, और जब आपने इसका क्या करा है पॉलीमराइजेशन, तो मैंने बताया जब भी आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे आप इस पाई बॉन्ड को क्या करिए फ्री करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम लिख दीजिए बेंजीन रिंग CH सिंगल बॉन्ड CH2। आपने पाई बॉन्ड को हटाया, एक बॉन्ड इधर लगाई, एक बॉन्ड इधर ब्रैकेट और N, ये हमारा क्या कहलाएगा पॉली स्टाइरिन। अगर आपसे पूछा जाए पेपर दिया रहेगा कि इसका मोनोमर क्या कहलाएगा, पेपर में दिया रहेगा बेंजीन रिंग बना रहेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट N, और पूछ लिया कि इसका मोनोमर क्या कहलाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2 बना देना है, तो इसका मोनोमर क्या कहलाएगा स्टाइरिन। चलिए अगर हम बात करें इसकी यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग हॉट ड्रिंक कप एंड टेलीविजन पॉट। तो पॉलीस्टाइरिन कितने मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं,
ए कौन सा मोनोमर, स्टायरीन। तो क्या कहलाएगा, होमो एडिशन पॉलीमर। एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड। पाली विनाइल क्लोराइड में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, विनाइल क्लोराइड, सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, क्या बोलेंगे, होमो एडिशन पॉलीमर। अगर आपसे कहा जाए पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में कितने मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ एक मोनोमर, कौन सा, एक्राइलोनाइट्राइल। अगर हम बात करें अगला यहाँ पे दिया गया है, समझना, नेचुरल रबड़। देखिए दो टाइप के रबड़ होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल रबड़ होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है। अब हम बात करें, अगर पहला तो आपसे यही पूछा जाता है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। अब ध्यान सुनिए, अच्छे समझना है आप इसको, आइसोप्रीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर इसका IPSC की बात करें तो क्या होगा, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइन। 11th में आपको बताया गया था 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, या इसका मोनोमर क्या कहलाता है, आइसोप्रीन कहलाता है। फिर सुनना, नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या कहलाता है, आइसोप्रीन। अगर फार्मूले की बात करें 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। अब आपने आइसोप्रीन का कितने मोल लिया आपने, एन मॉलिक्यूल, और जब आपने इसका क्या कराया, पॉलीमराइजेशन, जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, ध्यान सुनिएगा, तो जब भी आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जहाँ पे पाई बांड होता है वो सिग्मा बांड हो जाएगा, और जहाँ पे सिग्मा बांड होता है वो पाई बांड बन जाता है। यहाँ पे पाई बांड है, यहाँ से सिग्मा बांड बनेगा, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई बांड आ जाएगा, यहाँ पाई बांड है तो यहाँ सिग्मा हो जाएगा, और एक बांड इधर बनाएंगे, एक बांड इधर, और ब्रैकेट बना देंगे। तो देखिए क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इधर बनाए, एक बॉन्ड इधर, ब्रैकेट N। इसका नाम क्या होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल रबर का फार्मूला क्या होता है, ट्रांस नहीं होगा बच्चों, ट्रांस गट्टा होता है आपका, आगे पर आपके सिलेबस में दिया गया आगे। तो नेचुरल रबर क्या बोलते हैं, सिस पॉली आइसोप्रीन। अगर आपसे पूछा जाए सिस पॉली आइसोप्रीन का मोनोमर क्या कहलाता है, आइसोप्रीन। अगर आपसे नेचुरल रबर पूछा है होमो पॉलीमर है को पॉलीमर, तो क्या बताएंगे, होमो पॉलीमर। होमो पॉलीमर क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा मोनोमर, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फार्मूला क्या, 2-methyl-1,3 ब्यूटा डाइन। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो वहाँ जहाँ पे पाई बांड है वो सिग्मा बांड बना लेगा, और सिग्मा बांड क्या बनाता है, पाई बांड। तो यहाँ आप चेक करिए, यहाँ पाई बांड था, यहाँ पे सिग्मा बांड दिखाई दे रहा है, यहाँ सिग्मा था, सिग्मा के साथ साथ पाई बांड है, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा बांड। एक बांड आपने इधर लगाया, एक बांड इधर, और एन। इसका नाम क्या था, नेचुरल रबड़, या इसी क्या बोलते हैं, सिस पॉली आइसोप्रीन। पॉलीमर। अब हम बात करने जा रहे हैं को पॉलीमर एडिशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं को पॉलीमर एडिशन रिएक्शन। तो को पॉलीमर एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल की अगर हम बात करें, को पॉलीमर एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंथेटिक रबर यहाँ दो पढ़ेंगे, बूना एन बूना एस, दोनों क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर, और यहाँ पर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर। चलिए अगर हम बात करने जा रहे हैं बूना एस के बारे में, तो बूना एस में दो मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है 1,3-butadiene और दूसरा क्या होता है, स्टायरीन। तो 1,3-butadiene का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और स्टायरीन फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड बेंजीन रिंग। आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, N मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, कहलाएगा कोपॉलीमर। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एल्कीन दिया गया, तो एडिशन होगा। तो क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर एडिशन रिएक्शन।
अब बात करें पॉलीमराइजेशन, तो बुना एस का जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो मैंने देखे करना क्या है, जहाँ पे पाई बांड है वहाँ पे सिग्मा बांड बना देंगे, और जहाँ पे सिग्मा बांड है वहाँ पाई, यहाँ पाई बांड है सिग्मा बांड बन जाएगा, यहाँ सिग्मा है पाई बांड, यहाँ पाई बांड है सिग्मा बांड, और यहाँ सिग्मा बांड पाई बांड क्या बनेगा सिग्मा। इसके बाद दोनों मोनोमर को ऐड कर देना है, देखिए इस वाले मोनोमर को, इस वाले मोनोमर के कार्बन को, इस वाले कार्बन को ऐड कर देना है, और एक बांड इधर बनाना है, एक बांड इधर। फिर सुनना, बुना एस का मोनोमर क्या होता है, वन कामा थ्री ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, फार्मूला क्या है, सी एच टू डबल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच डबल बांड सी एच टू, स्टायरिंग फार्मूला क्या है, सी एच टू डबल बांड सी एच बेंजीन। जब दोनों मोनोमर को ऐड करोगे तो जहाँ पे पाई बांड है वहाँ पे सिग्मा बांड, जैसे यहाँ पे पाई बांड है यहाँ से सिग्मा बांड बचेगा, यहाँ सिग्मा यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पाई है तो यहाँ सिर्फ सिग्मा रहेगा, और यहाँ पाई है तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा, और दोनों मोनोमर को क्या करना ऐड कर देना है। आपने इसको इधर ऐड किया, एक इधर बांड बना, एक इधर बांड। तो जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो यहाँ चेक करिए, सी एच टू सिंगल बांड सी एच, यहाँ सिग्मा बांड है तो आपने डबल बांड सी एच, पाई बांड था सिग्मा बांड बन गया सी एच टू। अब इस सी एच टू को आपने इसके कार्बन से ऐड कर दिया, सिंगल बांड सी एच बेंजीनियर, एक आपने इधर बना, एक इधर बना, और यहाँ पे एन, ये हमारा क्या कहलाएगा, बुना एस। अब ध्यान से समझिए, अगर आपके एग्जाम में दिया गया है और पूछ लिया गया इसका मोनोमर क्या होगा, तो मोनोमर क्या आया, क्या होगा इसका, वन कामा थ्री ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। तो आपको बेटा याद करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको यहाँ से ब्रेक कर देना है, और जहाँ पे पाई बांड है वहाँ सिग्मा बना देना है, जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे पाई बांड बना देना। चलिए अगला हम बात करने जा रहे हैं बुना एन, ये है हमारा बुना एन। अब बुना एन की बात करें तो बुना एन का मोनोमर क्या होता है, वन कामा थ्री ब्यूटाडाइन, जो कि दोनों केम सेम है, वन कामा थ्री ब्यूटा डाई इन, यहाँ सुनिएगा, और दूसरा क्या होता है, एक्राइलो नाइट्राइन। तो वन कामा थ्री ब्यूटा डाइन का फार्मूला क्या होता है, सी एच टू डबल वन सी एच सिंगल वन सी एच डबल वन सी एच टू एन सी एच टू डबल वन सी एच सी एन, इसे क्या बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइन या विनाइल साइनाइड। अब जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो दोनों मोनोमर को ऐड करोगे, और जहाँ पे पाई बांड है वहाँ पे सिग्मा बांड बना देंगे, जहाँ पे सिग्मा बांड है वहाँ पे पाई बांड। आप क्या करना, सी एच टू, देखिए एक बांड इधर लगाएंगे, एक बांड इधर लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, सी एच टू सिग्मा बांड सी एच डबल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच टू। अब इसको इससे क्या करेंगे, ऐड कर दोगे, सी एच टू सिंगल बांड सी एच सी एन, एक बांड इधर एक बांड इधर। तो देखिए जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो क्या बना, एक बांड पहले यहाँ ब्रैकेट सी एच टू सिंगल बांड सी एच, यहाँ पे डबल बांड सी एच, यहाँ सिंगल बांड सी एच टू, इस कार्बन को आपने इसे ऐड किया तो क्या बना, सी एच टू सिंगल बांड सी एच सी एन, इसे क्या बोलेंगे, बुना एन। अगर आपसे पूछा है बुना एस बुना एन क्या होगा, को पॉलीमर एडिशन होगा कि कंडेंसेशन होगा, क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर। बुना एस का मोनोमर क्या होता है, वन कामा थ्री ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। बुना एन का मोनोमर क्या होता है, वन कामा थ्री ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल। बात समझ में आ रही है, चलिए अब हम बात करें बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी आप दो पढ़ेंगे, एक आपका को होमो कंडेंसेशन पॉलीमर, दूसरा को पॉलीमर कंडेंसेशन होगा। अगर होमो की बात करें तो होमो का एग्जांपल कौन होगा, नायलान सिक्स, और को पॉलीमर में आप तीन एग्जांपल पढ़ेंगे, नायलान सिक्स सिक्स सेकेंड टेरिलीन एंड डेक्रॉन, या इसे डेक्रॉन बोलते हैं, और थर्ड आप पढ़ेंगे ग्लिप्टल या एल्काइल रेजिन। नायलान सिक्स और नायलान सिक्स सिक्स में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज या क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप। ग्लिप्टल और टेरिलीन की बात करें, ग्लिप्टल या टेरिलीन की बात करें तो क्या होगा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एस्टर ग्रुप। फिर से सुनना बच्चों, नायलान सिक्स सिक्स की बात करें तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एमाइड ग्रुप या एमाइड लिंकेज होता है, टेरिलीन या ग्लिप्टल में एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। नायलान सिक्स क्या कहलाएगा, होमो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। नायलान सिक्स सिक्स
टेरिलीन ग्लिप्टर क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर कंडेंसेशन कहलाएगा। अगर नायलॉन सिक्स की बात करें तो यहाँ सुनिए, नायलॉन सिक्स का क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मोनोमर कैप्रोलैक्टम। तो नायलॉन सिक्स में सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व होता है, कौन सा होता है? कैप्रोलैक्टम। अब बच्चों से समझना, कैप्रोलैक्टम यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे सिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे चेक करिए कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नायलॉन सिक्स में कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 6। तो यहाँ पे 6 क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कैप्रोलैक्टम का फार्मूला क्या होता है? NH CH2 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 CH
NHR, इस ग्रुप को या इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? एमाइड लिंकेज। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। अब ध्यान सुनिएगा, तो जब आप कैप्रोलैक्टम को आप हीट करते हैं 538 से 543 केल्विन पे, तो बांड टूटता है। ध्यान सुनिए, तो ये यहाँ से बांड टूटेगा, ध्यान सुनिएगा, NH और CO का बांड टूटेगा। तो देखिए क्या बना, NH, देखिए NH 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या लिखा, CH2 का 5, C डबल बांड हो, एक बांड इधर लगाया, एक बांड इधर लगाया, और ब्रैकेट क्या लिख दी, N। तो इसे क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6। आपसे पेपर में दिया रहेगा ये NH एक बांड इधर बना रहेगा, CH2 5, C डबल बांड O N, इसका मोनोमर पूछ लेगा। ध्यान से सुना बच्चों, NH CH2 5 C डबल बांड O N, ये आपके पेपर में दिया रहेगा और पूछेगा इसका मोनोमर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम फार्मूला क्या होता है, NH CH2 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 C डबल बांड O। आपने इस बांड को ब्रेक करना है, जब आप बांड टूट जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए NH CH2 का 5, C डबल बांड O, एक बांड इधर लगाएंगे, एक बांड इधर लगाएंगे, N, इसे क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या कहलाता है, कैप्रोलैक्टम। बात समझ में आ रही। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड एग्जांपल के बारे में, नाइलॉन 6 6। अब सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 6 में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 6 बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, लेकिन नाइलॉन 6 में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, कैप्रोलैक्टम, लेकिन नाइलॉन 6 6 में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, दो मोनोमर। यहाँ पे 6 6 का मतलब दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला कौन सा है, एटबिक एसिड, और दूसरा क्या, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि नायलान 6 में 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है, कैप्रोलैक्टम, और यहाँ पे नायलान 6 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और 6 6 का मतलब दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से, एटबिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। बात सुन में आ रही। अब हेक्स बात करें, एटबिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, सी डबल बांड ओ ओ एच सी एच टू का होल 4, सी डबल बांड ओ ओ एच एन मॉलिक्यूल प्लस एन। हेक्सामेथिलीन डाइमीन का फार्मूला क्या होगा, एच एन एच सी एच टू का होल 6 एन एच एच, या आप बोल सकते एन एच टू सी एच टू 6 एन एच टू। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, 5 6, और यहाँ पे देख रहे हैं 6 कार्बन प्रेजेंट है। आंसू मारे। चलिए जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, फिर सुनना, नायलॉन 6 इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो एसिड का निकालेंगे OH और एमीन का निकालेंगे H, तो यहाँ से निकला OH और यहाँ से क्या निकला, H। आंसू मारे। अब इस कार्बन को किससे जोड़ देंगे, NH से। इसी तरह इधर आएंगे
तो यहाँ से निकलेगा ओ एच और यहाँ से निकलेगा एच। तो जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, इसका ओ एच निकल गया, सी डबल बॉन्ड ओ बच्चा, ब्रैकेट सी एच टू का होल फोर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच निकल गया, एक कार्बन किससे अटैच हुआ एन एच से, एन एच से ऐड हो गया, सी एच टू का होल सिक्स एन एच, और यहाँ पे दे रहे कौन सा लिंकेज है, एमाइड लिंकेज। अगर आपके पेपर में इस तरह दिया गया है और पूछे कौन सा मोनो में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, एडिबिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। पास में हमारे एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, नाइलान, नाइलान सिक्स सिक्स, कौन सा मोनो में इन्वॉल्व हो रहा है, एडिबिक एसिड हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। एडिबिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू का होल फोर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एन एच, एन एच टू को मैंने क्या लिख दिया एन एच एच, सी एच टू सिक्स एन एच एच। एसिड का हमेशा ओ एच निकालेंगे, एमीन का एच, तो यहाँ पे देखिए क्या एलिमिनेट हुआ है, एच टू ओ निकल गया। तो कार्बन किससे अटैच हुआ, एन से, यहाँ से ओ एच निकाल दिया, यहाँ से एच, देखिए मैंने यही किया ब्रैकेट में एन। नायलान सिक्स क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। नायलान सिक्स सिक्स क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर, क्यों, क्योंकि दो मोनोमर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट एग्जांपल के बारे में, टेरिलीन या डेक्रॉन, सुनना अच्छे समझना बच्चों, टेरिलीन या इसी को डेक्रॉन नाम से बोलते हैं, इसमें दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा टेरिथैलिक एसिड। ध्यान सुनना, टेरिथैलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, सी एच टू सी एच टू ओ एच ओ एच, फिर सुनना ओ एच सी एच टू ओ एच प्लस, टेरिथैलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, वन और फोर्थ पोजीशन पे, देखिए वन टू थ्री फोर्थ, तो वन और फोर्थ पोजीशन क्या होगा, एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब पूछा जाए कि डेक्रॉन का मोनोमर क्या कहलाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक एसिड। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो मैंने अभी बताया था एसिड का क्या निकलेगा ओ एच, और एल्कोहल का क्या निकलेगा एच, इसका ओ एच इसका एच, इधर से निकलेगा ओ एच इधर से निकलेगा एच। तो जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया, एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का आपने एच निकाल दिया, चलिए आपने एच निकाला, ब्रैकेट लगाया ओ सी एच टू सी एच टू ओ, अब ये ऑक्सीजन देखिए ओ एच, यहाँ से एच यहाँ से ओ एच निकल गया, तो ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, कार्बन से, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ से आपने ओ एच निकाल दिया, ब्रैकेट एन। अब सी डबल बॉन्ड ओ कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एस्टर ग्रुप, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, पहले पूछ लेता है, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। फिर से सुनना, टेरिलीन या डेक्रॉन का मोनोमर क्या कहलाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, सी एच टू सी एच टू ओ एच, इधर ओ एच हो गया, या ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच। टेरिथैलिक एसिड फार्मूला क्या होगा, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एसिड का निकलेगा ओ एच इसका निकलेगा एच, और ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, डायरेक्ट कार्बन से, यहाँ से निकालेंगे ओ एच यहाँ से निकालेंगे एच, देखिए एच निकाला ऑक्सीजन, ब्रैकेट सी एच टू ओ, इससे ऐड हुआ सी डबल बॉन्ड ओ एन, इसे क्या किसके प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रॉन बोलते हैं। चलिए लास्ट बात करने जा रहे हैं ग्लिप्टल या एल्काइल रीजन, तो ग्लिप्टल का फार्मूला क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा थैलिक एसिड। टेरिथैलिक में क्या था, वन और फोर्थ पोजीशन पे था, थैलिक एसिड में किस पोजीशन पे, वन एंड टू पोजीशन पे, कुछ भी नहीं करना है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला पता है, ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच। थैलिक एसिड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बेंजीन रिंग बनाइए, फिर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आपको कुछ भी नहीं करना है, एसिड का ओ एच इसका एच, यहाँ से ओ एच निकाल दीजिए, यहाँ से एच। तो जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया, ओ सी एच टू को होल ट्वाइस ओ, अब ऑक्सीजन किससे अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन किससे अटैच हुआ, कार्बन से,
ओ सी डबल बॉन्ड हो, बाकी सेम सी डबल बॉन्ड हो एन, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं ग्लिप्टर। पास समझ में आ रही? तो बच्चों आज आपका एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, इसके बाद आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो भी लेक्चर छूट गए थे, जिन बच्चों को छूट गया था, हम दोबारा लेक्चर दे रहे हैं। और आज के लिए इतना है, थैंक यू।